आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी बेटी राहा को ऐसा तोहफा देने का फैसला किया है कि सुनकर बॉलीवुड स्टार्स के भी होश उड़ गए हैं। रणबीर और आलिया ने अपनी एक साल की बेटी राहा कपूर को 250 करोड़ का गिफ्ट देने का डिसीजन लिया है। राहा बॉलीवुड की सबसे रिचेस्ट किड बनने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और आलिया राहा के नाम पर कृष्णा राज बंगला करने वाले हैं। ये वही बंगला है जो राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा राज के नाम पर बनवाया था। राज कपूर इसी बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों की शादियां इसी बंगले से की थीं। करीना, करिश्मा, रणबीर, रिधिमा सभी का बचपन इसी बंगले में बीता है। बंटवारे में ये बंगला ऋषि कपूर के पास आया था। बंगला सालों पुराना था और जर्जर हालत में था, इसलिए इस बंगले को तोड़कर नया बंगला बनाया जा रहा है। इस बंगले में आलिया और रणबीर दोनों मिलकर पैसा लगा रहे हैं। इस बंगले की कीमत शाहरुख खान के बंगले मन्नत और अमिताभ के बंगले प्रतीक्षा से भी ज्यादा है। ये बंगला मुंबई के सबसे पॉश एरिया बांद्रा में बनके तैयार हो रहा है। आलिया और रणबीर अपने नए बंगले में अपनी बेटी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गृह प्रवेश से पहले वो ये बंगला अपनी बेटी के नाम करना चाहते हैं। आलिया और रणबीर की शादी 14 अप्रैल 2022 को हुई थी और शादी के कुछ समय पहले से ही ये बंगला बनकर तैयार हो रहा है। रणबीर और आलिया अक्सर नीतू कपूर के साथ इस बंगले में काम देखने आते रहते हैं। राहा के पैदा होते ही इस बंगले का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऋषि कपूर ने अपनी संपत्ति नीतू कपूर के नाम कर दी थी। राहा इस बंगले में अपनी दादी नीतू कपूर के साथ दूसरी ओनर बनेंगी। दादी नीतू के बाद राहा इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएंगी। बॉलीवुड में अभी तक किसी स्टार किड के नाम पर इतनी दौलत नहीं है। ऐसा करके रणबीर और आलिया ने अपनी बेटी के लिए अटूट प्यार दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।